हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फॉर माई एजुकेशनल हब। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे बात की और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के एप्लीकेशन देखे। और एप्लीकेशन के बाद में हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग इस पे रिलेटेड कुछ, जैसे एनर्जी कंजर्वेशन, कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जब करते हैं, गैलीलियन रूपांतरण जब करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन का जो लॉ है, ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है, वो एक निर्देश तंत्र में, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई होता है तो दूसरे में भी अप्लाई होता है, अगर हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है ना। उसी वे में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन भी देखा, संवेग का संरक्षण का नियम, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो भी स्टडी किया और वो भी पता किया कि हाँ ये होते हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं, वो भी हम लोग बताएंगे कि अच्छा, जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, गैलीलियन का रूपांतरण करते हैं, तो ये चीज़ें भी कांस्टेंट रहती है या निश्चर रहती है, इनवेरिएंट रहती है, ये पता करना, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, पहले तो एक छोटा सा टॉपिक है वो करवाऊंगा, क्वेश्चन के जैसे है वो, और फिर तीन चार क्वेश्चन और करवाऊंगा, ठीक है। और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये चार क्वेश्चन होते ही कंप्लीट होते ही, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम लोग सेकेंड, इस यूनिट का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आ जाओ भैया, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन मान लो, या ये थ्योरी का ही पार्ट है। क्या है इसको, क्वेश्चन को लिख लो आप, पहले हिंदी मीडियम वाले लिख लो, फिर इंग्लिश मीडियम वाले लिख लो, दोनों को मैं बोल के लिखवा रहा हूं। लिखो, हिंदी मीडियम वाले लिखो, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निश्चर होती है। गैलीलियन रूपांतरण के अंतर्गत दो बिंदुओं के मध्य की दूरी निश्चर होती है, या इसको दूरी नहीं बोल के लंबाई भी बोला जाता है। इसको जो दो बिंदुओं के मध्य की दूरी लिखा है ना, उसके साथ में ब्रैकेट में आप कहीं पे ऊपर नीचे लंबाई भी लिख लेना, ठीक है ना। हाँ, तो इंग्लिश में लिखो, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिखो लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ब्रैकेट में लिखो लेंथ, ब्रैकेट बंद, लिखो इज इनवेरिएंट, इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, और फिर हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे डील करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, सपोज एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, लंबाई, जो जिसको बोल रहा हूँ मैं, जो लंबाई है वो कैसी है, लंबाई कांस्टेंट है। ये बताना है कि जो लंबाई है वो कैसी है, कांस्टेंट है। ये जो दिख रही है क्या आपको, एक सेकेंड, इसका कलर चेंज करें क्या अपन, ये लो अब दिख रही होगी, ये जो लंबाई है दो पॉइंट के बीच की, ये क्या है, नियत निश्चर होती है, इनवेरिएंट होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं इन दो पॉइंट के बीच की दूरी को देख रहा हूँ, दो डिस्टेंस को देख रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 5 मीटर है। अब मेरे रिस्पेक्ट में कोई दूसरा फ्रेम चल रहा है कॉन्स्टेंट स्पीड से, कि एक बंदा, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कोई 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उधर जा रहा है, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से, वो बंदा भी इसको देख रहा है, और उसको भी जो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो जितनी मुझे लग रही है सेम एज इट इज, उसको भी उतनी फील होगी। मतलब जो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है वो इनवेरिएंट है गैलीलियन का, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ या ये देख रहा है, रूपांतरण कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, निश्चर है वो, एक तरीके से इनवेरिएंट है, ये निश्चर सही वर्ड है इसके लिए, ठीक है। ये बताना है, प्रूव करना है, ठीक है। आ जाओ भैया, तो मैं काम करता हूँ, दो फ्रेम ले लेता हूँ, दो निर्देश तंत्र ले लेता हूँ सबसे पहले। तो मैं काम करता हूँ, दो निर्देश तंत्र ले लिए, एक निर्देश तंत्र तो मैंने ये ले लिया,
ये एस निर्देश तंत्र है, इसका मूल बिंदु वो ये हो गया ओरिजिन, ये एक्स हो गया, सपोज ये वाई एक्सिस हो गया। इसके रिस्पेक्ट में, इस एस के रिस्पेक्ट में इसका जो स्थिति सदिश है, इसका जो स्थिति सदिश है और जो इसका स्थिति सदिश है वो कैसा है, ये है। इसका स्थिति सदिश है वो ये है। ये मान लो कि ये है आर वन वेक्टर और ये जो है आर टू वेक्टर है, ठीक है। और ये सपोज ये पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है, पी से क्यू की तरफ है, मान लो ये डिस्टेंस है, इनके बीच की लेंथ है ना। अब एक और निर्देश तंत्र है, दूसरा निर्देश तंत्र है जो इसके रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से जा रहा है। और जो दूसरा निर्देश तंत्र है वो मैं बनाता हूं, मान लो वो है यहां, वो यहां पर है एस डैश फ्रेम है, ये एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मूल बिंदु ओरिजिन जो है वो ओ डैश, ठीक है। ये एक्स डैश है, दिस इज वाई डैश, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम इसमें, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसके रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इन दोनों के स्थिति सदिश निकाली, इन दोनों के पोजिशन वेक्टर, इसका पोजिशन वेक्टर ये रहा, ठीक है, इसका पोजिशन वेक्टर मान लो ये है, ये इसके लिए है पहले के लिए, तो इसको मैं आर वन डैश लिख देता हूं और इसको आर टू डैश, करेक्ट है। अब मुझे क्या पता करना है, मुझे ये बताना है कि इस बंदे को जो इन दोनों पॉइंट के बीच की जो लंबाई लग रही है, लेंथ है, इसको भी जो लेंथ है वो बराबर ही है, दोनों के लिए लेंथ क्या है, बराबर है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में यही तो बताना था। तो ये जो मैंने इतनी कहानी बनाई है ना, ये जो स्टोरी क्रिएट की है, ये स्टोरी के बारे में सबसे पहले तो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख सकते हो आप, क्या क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, ठीक है ना, बोलूँगा तो भी टाइम लगेगा तो मैं लिख देता हूँ। माना दो निर्देश तंत्र एस व एस प्राइम है, लेट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफरेंस एस एंड एस प्राइम, दो निर्देश तंत्र है, ठीक है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट, दो पॉइंट है P और Q, P पॉइंट के जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है इसके रेस्पेक्ट में, और इसके रेस्पेक्ट में R1 डैश। S निर्देश तंत्र में P का स्थिति सदिश कितना है, R1 वेक्टर, अरे पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इन एस फ्रेम कितना है, आर वन वेक्टर, और एस डैश फ्रेम में पी का पोजीशन वेक्टर कितना है, आर टू वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पी इन एस डैश फ्रेम, ठीक है, एस डैश फ्रेम में कितना है, एस डैश फ्रेम में इसका कितना है, पी का आर वन डैश है, आर वन डैश, ठीक है, करेक्ट है, ये पी का हो गया। अब क्यू के बारे में बात करते हैं, यहाँ कॉपी कर लेना एक बार, ठीक है ना, अभी मैं इसको स्क्रॉल कर दूंगा, पी हो गया, क्यू के बारे में बात करते हैं। तो एस निर्देश तंत्र में क्यू का स्थिति सदिश तो क्यू का स्थिति सदिश कितना, आर टू वेक्टर मतलब पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू इन एस फ्रेम की बात कर रहा हूँ अभी, एस फ्रेम में कितना है इसका, आर टू हो गया, अरे इसका क्यू का
ओ एस फ्रेम में आर टू वेक्टर है। अब इसके बारे में बात करूंगा, ओ डैश या एस डैश के फ्रेम में। तो एस डैश निर्देश तंत्र में क्यू बिंदु का स्थिति सदिश आर टू डैश। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ क्यू इन एस डैश फ्रेम कितना है? आर टू डैश, करेक्ट है। अरे ये बातें चमकी ना। अब देखो, अगर मुझे इसकी लंबाई क्या है, पी क्यू वेक्टर ही तो एक तरीके से, अगर पी क्यू की बात करूं तो ये है लंबाई। अब देखना, अगर मैं बात करूं कि ओके एस के एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष इसकी लंबाई कितनी है, एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष, एस निर्देश तंत्र में लंबाई, लेंथ इन एस फ्रेम, एस फ्रेम में जो लेंथ है उसको मैं एल वेक्टर से लिख दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके अंदर एल वेक्टर का मतलब हो गया ये पी से क्यू वेक्टर की तरफ, पी क्यू वेक्टर, ये हो गया L वेक्टर का मतलब है लेंथ, यही तो पी क्यू वेक्टर। और पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या हुआ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, अरे ये होगा ना। पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या हुआ, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये हुआ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्लियर है। ये मिल गया मुझे L जो है, तो L अपने पास में ये है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इक्वेशन नंबर वन पुट कर दो तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये इतनी बात चमकती है सबको कि L वेक्टर ये इसके रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ है वो ये आ गई R2 और R1 के टर्म्स में आ गई मेरे पास, R1 और R2 के टर्म्स में। तो PQ के लिए अपने वैसे भी देख सकते थे PQ क्या आ रहा है, R2 माइनस R1 ट्राइंगल लो से। अब ये तो S फ्रेम में आ गई, S डैश में क्या आएगी, एस डैश फ्रेम में लेंथ, एस डैश निर्देश तंत्र में लंबाई, लेंथ इन एस डैश फ्रेम, इसको मैं एल डैश बोल दूं तो किसी को कोई एतराज है क्या, नहीं, एल डैश। और एल डैश क्या आएगा इस फ्रेम में, और इस फ्रेम के हिसाब से भी इन दोनों की लंबाई क्या होगी, पी क्यू होगा, अरे पी क्यू होगा ना। पी क्यू नहीं बोलना चाहो तो आप इसको ऐसे बोलो, क्योंकि आपको तो अभी प्रूव करना है ना, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इस फ्रेम में क्या होगी लंबाई, लंबाई ये है तो क्या आर टू डैश माइनस आर वन डैश, क्योंकि इसमें जो पोजिशन वेक्टर है वो आर टू डैश और आर वन डैश है, तो इसके रिस्पेक्ट में आर टू डैश माइनस आर वन डैश, तो आर टू डैश माइनस आर वन डैश, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर टू हो गया, करेक्ट है। अरे बात चमक रही है ना। यहाँ पर भी अगर आप पी क्यू नहीं लिखना चाहो तो नहीं मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो एल वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस। ये हो गया दो दो इक्वेशन आ गई। अब देखो गैलीलियन रूपांतरण क्या बोलते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से क्या है कि ये जो है इसके रिस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से जा रहा है, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ एस फ्रेम में हूँ, मेरे रेस्पेक्ट में ये जो एस डैश है वो उधर वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसमें जो आर वन और इसका जो आर वन डैश है इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन देखा था ना हमने, रूपांतरण समीकरण देखे थे इस आर वन और आर वन डैश का, आर टू और आर टू डैश का रूपांतरण समीकरण देखे थे हमने, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखे थे, वो वहां से इनको आपस में रिलेट कर सकते हैं। वो क्या होगा देखो, गैलीलियन रूपांतरण से, गैलीलियन रूपांतरण से, रूपांतरण से बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, बाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से ये होता है कि देखो
आपको अगर आर वन वैक्टर चाहिए तो आर वन वैक्टर होता है आर वन डैश वैक्टर प्लस वी टी वैक्टर। आपके गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के इक्वेशन याद रखने पड़ेंगे, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आर वन वैक्टर जो था वो था आर वन डैश वैक्टर प्लस वी वैक्टर टी, ये था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अब अगर आपको ऐसा है कि आर वन, ये आर के लिए होता है, आर वन चाहिए तो ये हो जाएगा आर वन डैश और वी टी। वेलोसिटी तो वो फ्रेम का है तो वो तो दोनों पॉइंट के लिए सेम रहेगा, वी वन वी टू लिखने की जरूरत नहीं, वी तो सेम ही है। वी किसका? फ्रेम का, जो निर्देश तंत्र है उसका वेग है कि वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी ही है। ये इक्वेशन नंबर मैं थ्री बोल रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आर टू की बात करूँ तो यहाँ आ जाएगा आर टू डैश प्लस वी वेक्टर टी, क्वेश्चन नंबर फोर। थ्री और फोर का वैल्यू मैं एक काम करता हूँ, थ्री और फोर का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करता हूँ। तो फ्रॉम वन टू एंड थ्री, वन टू थ्री से क्या हुआ देखो, वन टू एंड थ्री से आर टू माइनस आर वन है तो आर टू माइनस आर वन ये वाली वैल्यू वहां पे पुट करो, ये आर टू माइनस आर वन। तो एल वेक्टर का जो वैल्यू है दैट इज आर टू माइनस आर वन, तो आर टू का वैल्यू तो है ये आर टू डैश प्लस वी टी माइनस आर वन वेक्टर, आर वन वेक्टर इज आर वन डैश प्लस वी टी। इसमें देखो वी टी तो ये वी टी तो वी टी से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है, और जो आगे बचेगा वो आएगा आर टू डैश वेक्टर माइनस आर वन डैश, दिस इज एल वेक्टर। और आर टू डैश वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर इक्वेशन नंबर दो से देखो क्या है, इक्वेशन नंबर टू से एल डैश वेक्टर है। तो फ्रॉम टू, फ्रॉम इक्वेशन टू, फ्रॉम इक्वेशन टू से आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर क्या होता है, एल डैश वैक्टर होता है, ठीक है। आर टू डैश माइनस आर वन डैश वैक्टर एल डैश वैक्टर होता है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः हैंस एल वैक्टर इज इक्वल्स टू एल डैश वैक्टर। यही तो पता चला कि एक निर्देश तंत्र में जितनी दूरी है दो बिंदुओं के, दूसरे निर्देश तंत्र में भी सेम लेंथ है। तो द लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया ना, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जितनी लेंथ है दो पॉइंट के बीच का, सेम उतना ही लेंथ, इक्वल लेंथ होगा डिफरेंट फ्रेम में भी, इफ यू आर टेकिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप जो सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से कर रहे हैं, तो अपन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का ही तो यूज किया है, यहाँ पे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन यूज किया। ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़े हैं तो उनका यूज कर सकते हैं। तो ये भैया ये हो गया। तो ये यही बताना चाह रहा था, क्वेश्चन का क्या था, क्वेश्चन में यही था कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप करोगे तो दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ है दैट विल बी सेम। तो इसका मतलब है कि जैसे मैं अगर मैं किसी रोड पर खड़ा हूँ, रोड पर साइड में खड़ा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि एक खंभा है और उस खंभे की लेंथ है मान लो 10 मीटर। अब एक बंदा बस में जा रहा है और बस कांस्टेंट स्पीड से जा रही है मेरे रिस्पेक्ट में, और बस की छत पे कोई बंदा बैठा वो भी उस खंभे को देख रहा है, उस खंभे का लेंथ उसको भी जितना लगेगा उतना ही मेरे को, मतलब मुझे 10 मीटर लग रहा है तो उस बंदे के लिए भी वो खंभे की लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर, ठीक है। ये किस में होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन लिमिटेशंस हैं इनके, मतलब जनरल वे में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं है। इसका जो आंसर है वो रिलेटिविटी देता है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का सिद्धांत। मतलब ये जो है, ये अगर मैं बोलूँ कि ये आधे फिट, ओह शिट, अगर मैं बोलूँ कि अगर ये आधे फीट का है तो ये मेरे लिए अगर आधे फीट का है तो उधर से कोई भाग रहा बहुत तेज, स्पीड ऑफ लाइट के आसपास, प्रकाश के वेग के आसपास, तो उसके लिए इसका स्पीड, इसका लेंथ है वो अलग होगा, वाकई में अलग होगा, ऐसा होता है। गैलीलियो ने तो बताया सबके लिए सेम होता है, लेकिन सबके लिए सेम नहीं होता है। ये जनरल लाइफ में हम जो देखते हैं चीज़ें वहाँ तक सेम है, पर एक्चुअल में सेम नहीं होता है। और इसका जो प्रूफ है वो आता है एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, आपेक्षिकता का सिद्धांत, जो आपके सिलेबस से पार्ट, उस चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है ना।
अब मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता ना, वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी को वो समझना है तो मेरे जेएम के आईआईटी जेएम के लेक्चर्स देख ले, उनके अंदर वो पूरा डिटेल में आएगा। मतलब आपके सिलेबस में जो था वो ज़्यादा नहीं था, लेकिन आप वो जेएम के लेक्चर्स में पूरा डिटेल में उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, एक्चुअल में एसटीआर क्या है वो, उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है, वो वहाँ पर गिवन है। हाँ तो वो बात छोड़ो, लेकिन अभी आपके जो लेवल की सिलेबस की बात है वो ये है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो एग्जाम में प्रेजेंट करने का तरीका देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आया कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि ये जो मैंने बनाया है इसमें क्या क्या लिखा है, वो चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद साइड में डायग्राम बना देना, ये लिख दिए, उसके बाद में ये कहानी चालू कर दी। अब लास्ट में ये कॉन्क्लूजन मिला, ये मिला, यहाँ पर आप लिख सकते हो अतः हैंस, ये जो भी बॉक्स मिला उसको बॉक्स में बंद करके इसके बारे में लिख दिया करो। फिर यहाँ पे एक दो लाइन रटनी नहीं होती है, ये लाइनें यहाँ पर क्या रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग आपको वो लाइन लिखनी होती है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ये हुआ अतः लंबाई दोनों निर्देश तंत्रों में निश्चर है, यही तो पता था, निश्चर मतलब एक समान है, एक तरीके से इक्वल है, तो लिख लो यहाँ पे अतः दोनों निर्देश तंत्रों में लंबाई का मान समान है, अतः दोनों निर्देश तंत्रों में लंबाई का मान समान है, हेंस द लेंथ इज इक्वल इन बोथ द फ्रेम्स, हेंस लेंथ इज इक्वल इन बोथ द फ्रेम्स, सो वी कैन से दैट लेंथ इज इनवेरियंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, दैट लेंथ इज इनवेरियंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, करेक्ट है, ये हो गया भैया, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तीन क्वेश्चंस और करेंगे, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड, और फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो खत्म हो जाएंगे और ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा यहाँ पे। इसमें एक तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, किससे, प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, तो हम लोग इसमें हम लोग किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन पर वर्क करते हैं उसके बारे में क्वेश्चन है दूसरा, और जो दो बाकी के जो दो क्वेश्चन हैं उनका भी डिस्कशन करेंगे। तो सब ये क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आओ सबसे पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वन सेकेंड, आओ भैया, ये कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो देखो भैया क्या क्वेश्चन है, मैं एक बार मैं पढ़ देता हूँ, आप भी साथ साथ में पढ़े। किसी क्षण दो कणों की स्थितियाँ एवं वेग क्रमशः आर वन आर टू, और वेलोसिटीज जो है वो है, वेग कितने, वी वन वी टू है। तो ये कण तभी टकरा सकते हैं जब ये इस इक्वेशन को फॉलो करें। ये बोल रहा है कि देर आर टू पार्टिकल्स और पोजिशन वेक्टर ऑफ दीज टू पार्टिकल्स आर आर वन एंड आर टू एंड वेलोसिटीज आर वी वन एंड वी टू, सो दीज कैन कोलाइड ओनली वेन दिस इक्वेशन इज वैलिड। तो ये अगर इक्वेशन को फॉलो करते हैं तभी ये कोलाइड कर सकते हैं, टक्कर कर सकते हैं, आई बात समझ। तो देखो इसके लिए हम लोग कुछ बात करते हैं, तो अगर दो पार्टिकल कोलाइड तभी कर सकते हैं जब ये इस इक्वेशन को फॉलो करें, ये बोले दोनों पार्टिकल तभी टक्कर कर सकते हैं जब इस इक्वेशन को फॉलो करें। अब मैं ये मान लेता हूं कि दो पार्टिकल टक्कर करते हैं, तो पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं किसी पॉइंट पे। अब दोनों पार्टिकल अगर कोलाइड कर रहे हैं, मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया कि कर रहे हैं, अब कर रहे हैं तो ये इक्वेशन प्रूव होनी चाहिए, तो आओ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज मान लेता हूं, लेट बोथ पार्टिकल्स कोलाइड्स, बोथ पार्टिकल्स कोलाइड एट पॉइंट पी, दोनों कण माना, दोनों कण पी बिंदु पर मिलते हैं या टक्कर करते हैं, ठीक है। अब P बिंदु क्या है, पॉइंट P कहां पर है उनके बारे में बात करते हैं। मान लो कि कोई एक फ्रेम है, यहां है, ठीक है,
यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है यहाँ पे, उसका वेलोसिटी, उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर वन, इसका जो वेलोसिटी है वो है वी वन, इसका वेग कितना है वी वन है। एक दूसरा पार्टिकल है वो कहीं यहाँ पे है और उसका पोजीशन वेक्टर है वो आर टू है। यही तो बोला गया है, दो पार्टिकल्स के पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कितने, आर वन आर टू है। इसका जो वेलोसिटी है, इसका वेग जो है वो वी टू है। अब दोनों किसी एक डायरेक्शन में, मान लो कहीं ना कहीं जा रहे हैं, मान लो यहाँ पे आ रहे हैं ये पी पॉइंट पे, टी टाइम में ये पार्टिकल तो यहाँ पहुँच गया और टी टाइम में ये भी यहाँ पहुँच गया और जाके दोनों क्या करेंगे, टक्कर करेंगे, कोलिजन करेंगे। अरे एक जगह जाके पहुँचेंगे तभी तो कोलिजन होगी ना, तो टी टाइम पहले तो यहाँ पे थे, अब टी टाइम में ये यहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया। टी टाइम में वी वेलोसिटी से ये कितनी डिस्टेंस चला गया, वी वन इंटू टी, और ये कितना चला गया, वी टू इंटू टी, इतना ही गया। इसको वेक्टर फॉर्म में तो वी वन टी लिख देता हूँ, इसको वी टू। अरे v वेलोसिटी से चल रहा था ना, तो t टाइम में ये v1 t दूरी चल के इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ पहुँच गया, और ये v2 वेलोसिटी से t टाइम में इतना, तो वेलोसिटी इंटू टाइम यही होता है ना डिस्टेंस। अरे दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय, वेग गुणा दूर समय, ये आ गया यहाँ पहुँच गया। अब जहाँ पर पहुँचे दोनों एक ही पॉइंट पर पहुँच गए, p पॉइंट पर, और p पॉइंट पर पहुँचे तो p पॉइंट दोनों के लिए सेम पोजिशन पर पहुँच गए, सेम स्थिति पर है दोनों। इसका मतलब अगर मैं p पोजिशन का, अगर स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर लू, तो दोनों का जो पोजीशन वेक्टर है इस जगह पर, दोनों का जो स्थिति सदिश है इस पॉइंट पर सेम है आर वेक्टर, करेक्ट है। चलो भैया अब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को सदिशों का नियम लगाना है। जैसे ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट को क्यू पॉइंट मान लूँ, इस पॉइंट को आर पॉइंट मान लूँ, तो ये जो डाइग्राम है इसको देखना है और मुझे ट्राइंगल लॉ लगाना है। सदिशों का त्रिभुज नियम जानते हो आप लोग, ट्राइंगल लो वो वाला, इसमें इसमें, तो देखो सदिश नियम से बाय ट्राइंगल लो। देखो ट्राइंगल लो से क्या होगा, पहले ट्राइंगल, ये ओ पॉइंट ओरिजिन मूल बिंदु, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। इसमें देखो ट्रायंगल में ओ पी क्यू या ओ क्यू पी में देख लो, ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में क्या हो रहा है, ओ क्यू पी लिख लो, या ओ पी क्यू एक ही बात है, मैं ओ क्यू पी लिख लेता हूँ इसको, ओ क्यू पी। ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखो आर वन वेक्टर प्लस वी वन टी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में चलते जाते, तो इधर से घूम के आओ या डायरेक्ट आओ बराबर होता ना, मतलब आर वेक्टर प्लस ये वी वन टी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर, यही होगा। अरे यही तो होगा, मतलब आर वन वेक्टर, यहां पे लिखते हैं आर वन वेक्टर प्लस वी वन टी इज इक्वल्स टू कैपिटल आर वेक्टर, ये इक्वेशन नंबर वन लिख लेता हूं। इसी तरीके से ये ट्रायंगल देखो, अब ओ आर पी, ट्राइंगल ओ आर पी, ट्राइंगल ओ आर पी से देखो आप, उस ट्राइंगल से क्या हुआ, ओ आर पी से, ट्राइंगल ओ आर पी से हो रहा है आर टू, इधर से जा रहा हूँ इधर फिर इधर, तो आर टू प्लस वी टू वी टी, वी टू टी इज इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट चला गया आर इज इक्वल्स टू टू, तो इक्वेशन वन और टू से क्या होगा, इक्वेशन वन और टू से क्या होगा, दोनों लेफ्ट राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू क्या मिल रहा है आपको, आर वन वेक्टर प्लस वी वन वेक्टर टी इज इक्वल्स टू आर टू वेक्टर प्लस वी टू टी। आर में काम करता हूँ मैं, R2 को इस तरफ ले आता हूँ, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और इस V1 को उधर भेज देता हूँ, तो इसमें आ गया, ये आ गया माइनस आ गया ना, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, और T कॉमन ले लिया, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब देखो ये आ गया R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू, मैं इसमें माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा वी वन वैक्टर माइनस वी टू वैक्टर इंटू टी।
अरे अगर माइनस कॉमन ले लूँ तो वी वन तो प्लस का हो जाएगा, वी टू माइनस का हो जाएगा, तो मैंने इसको पहले लिख दिया इसको बाद में। अब देखो मुझे कुछ इस तरीके का लाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें लेफ्ट साइड में ऐसा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको क्या, इसको इक्वेशन नंबर मैं थ्री कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन थ्री को क्रॉस मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, ये वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, वी वन वेक्टर इंटू सॉरी वी वन वेक्टर माइनस वी टू वेक्टर, ये कर रहा हूँ। तो ये करो, यहाँ पे ये आएगा आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर क्रॉस वी वन वेक्टर माइनस वी टू वेक्टर, ये तो लेफ्ट साइड हो गया, ठीक है। राइट साइड देखो, राइट साइड जो आएगा वो आएगा वी वन वेक्टर माइनस वी टू वेक्टर टी, टी तो एक स्केलर क्वांटिटी, टी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, अदिश राशि होती है, तो मैं टी को तो किधर ही लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है किससे मल्टीप्लाई, वी वन वेक्टर माइनस वी टू वेक्टर, ये टी इधर बाहर लिख देता हूँ। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है क्या? ये जीरो कोई बराबर में जीरो मत लिख देना, जीरो तो ओरिजिन मूल बिंदु को बता रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये कोई वेक्टर है, ये कुछ किसी वेक्टर को सेम वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, जीरो आता है ना। अरे अगर मैं बात करूँ ए वेक्टर को, मैं ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है, जीरो, क्रॉस प्रोडक्ट करूँ तो जीरो आता है ना। जैसे आई के, क्योंकि ये क्या होता है ए का मोड, ये होता है क्या, इसका मीनिंग होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, मतलब होता है ए का मोड इंटू दूसरे वाले का भी मोड इंटू साइन इन दोनों के बीच का एंगल। तो दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल जीरो होता है, साइन जीरो हो जाता है, और साइन जीरो से ये जीरो हो जाता है, ऐसे जीरो होता है। इसका मतलब ये वेक्टर भी सेम है, सेम वेक्टर है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जीरो आएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा जीरो, तो ये आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर क्रॉस वी वन वेक्टर माइनस वी टू वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ, अरे प्रूव हो गया, ये करेक्ट है ना, ये भैया प्रूव हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, ठीक है। देख लो, कॉपी कर लो एक बार, मैं साइड में हो लेता हूँ तो आप कॉपी कर लो इसमें, ठीक है, यहाँ पे पॉज करके छाप लेना। ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक ये क्वेश्चन है, ये क्या बोल रहा है, किसी क्षण, ये जो पहले वाला क्वेश्चन है उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देख लो इसको। किसी क्षण दो कणों की स्थितियां क्रमशः ये और ये है, इनिशियल पोजीशंस ऑफ टू पार्टिकल्स आर दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली, दोनों का गिवन है। पहले कण का वेग ये है, फर्स्ट पार्टिकल का जो वेलोसिटी है इज दिस, दूसरे कण का वेग ज्ञात करना है, सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कि 10 सेकंड के बाद में ये टकरा जाए। देखो क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले भी, फिर मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्या है, दो पार्टिकल है, वो किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक का वेलोसिटी पता है, दूसरे का वेलोसिटी कैलकुलेट करना, इनिशियल पोजिशन पता है कि ये कहीं पर है यहाँ पे, इसका आर वन पता है, दूसरा भी है उसका आर टू पता है। अब ये बोल रहा है कि ये पार्टिकल कहीं किधर जा रहे हैं, इसका वेलोसिटी पता है, इसका वेलोसिटी पता करना है, फाइंड आउट करना है इसका वेलोसिटी। 10 सेकंड बाद में ये मिलते हैं, 10 सेकंड बाद में जाके ये कोलाइड करते, टक्कर करते हैं, आपस में टकरा जाते हैं, आफ्टर 10 सेकंड दीज विल कोलाइड टू इच अदर। अगर कोलाइड करते हैं तो इस एक पार्टिकल का वेलोसिटी क्या होगा जिसका पता नहीं है, वो कैलकुलेट करो। ये है सेम टाइप का क्वेश्चन है, मैं इसको फिर से फ्रेम करता हूँ सेम उसी तरीके से। क्या है देखना, एक पार्टिकल है ये, इसका पोजीशन वेक्टर r1 वेक्टर, और r1 वेक्टर जो है ये गिवन है, ये रहा, मतलब पहले कण का पोजीशन वेक्टर ही तो गिवन है, तो पहले कण का पोजीशन वेक्टर, तो एक ऐसे थे कण का मैं ऐसे लिख देता हूँ, पहले कण का स्थिति सदिश, का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल
और कितना आर वन वैक्टर है, ऐसा है। और आर वन वैक्टर का वैल्यू क्या गिवन है, आर वन वैक्टर का वैल्यू भी गिवन है अपने को, ये है ये, ठीक है। अभी लिख दूंगा मैं। इसी तरीके से दूसरे कण का, दूसरे कण का स्थिति सदिश, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेकेंड पार्टिकल, और ये कितना है आर टू वैक्टर है। मान लो इस सेकेंड पार्टिकल है वो यहाँ पर है, उसका पोजिशन वैक्टर जो है वो आर टू वैक्टर है, इस ओरिजिन से मिला ना इसको, है ना। फर्स्ट पार्टिकल है एक कण, पहले कण का जो वेग है वो ये गिवन है, इसका जो वेलोसिटी है मान लो ये इधर जा रहा है और ये यहाँ पे आके इससे मिलेगा, ये इधर जा रहा है, इसका वेलोसिटी है v1 वेक्टर, इसका वेलोसिटी है v2 वेक्टर, ठीक है। ये यहाँ पे मिल रहा है p पॉइंट पे, इसको q मान लो, इसको r मान लो, ये इनका पोजिशन वेक्टर जब मिलेंगे तो दोनों का पोजिशन वेक्टर स्थिति सदिश r वेक्टर होगा। पहले वाला केस लिख रहा हूँ सेम उसी तरीके से बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो पहले कण का वेग, पहले कण का ये वेग है, तो फर्स्ट पार्टिकल का वेग, पहले कण का वेग, एक काम करता हूँ मैं, ये चीज़ तो मुझे पता चल गई ना, आर वन वैक्टर और आर टू वैक्टर, तो पहले कण का वेग, एक सेकेंड, पहले कण का वेग, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल, तो फर्स्ट पार्टिकल का वेलोसिटी है वी वन और सेकेंड का कितना है वी टू, दूसरे कण का वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है वी टू वेक्टर। अब देखो ये जो ट्रायंगल है ओ क्यू पी और ओ आर पी, इनसे दोनों ट्रायंगल से वो पहले वाले जैसे सदिश नियम से, देखो अब सदिश नियम से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सदिश नियम से बाय वेक्टर रूल से क्या होगा, देखो आर वन वैक्टर प्लस ये डिस्टेंस वी वन वेलोसिटी से जा रहा है तो ये वी वन टी होगा ना, और ये कितना होगा वी टू टी, बात करेक्ट है ना। अरे वी वन वेलोसिटी से जा रहा है तो टी टाइम में, टी 10 सेकंड बाद में मिल रहा है ना, तो टी टाइम मान लो, मैं टी बोल रहा हूँ अभी, टी टाइम बाद में ये यहाँ जाके यहाँ जाएगा तो 10 सेकंड में यहाँ पहुँच जाएगा, तो वो वहां से आएगा आर वन वैक्टर प्लस वी वन टी वैक्टर यहाँ प्लस ये डायरेक्ट आर के बराबर होगा, आर वैक्टर के बराबर। एक तो ये चीज़ समझ में आई, दूसरा इधर से आर टू वैक्टर प्लस वी टू टी ये डायरेक्ट आर वेक्टर के बराबर होगा, ये होगा आर टू वैक्टर प्लस वी टू वैक्टर टी इज इक्वल्स टू आर वैक्टर, इक्वेशन टू। तो फ्रॉम वन एंड टू क्या आ रहा, दोनों इक्वल होंगे तो ये आएगा आर वन वैक्टर प्लस वी वन टी इज इक्वल्स टू आर टू वैक्टर प्लस वी टू टी, ऐसा है। सबके वैल्यू पता है मुझे, क्या पता है आर वन वैक्टर के भी, आर टू के भी पता है, वी वन के भी पता है, टी कितना है 10 सेकेंड, टी तो कितना है 10 सेकेंड है ना। तो देखो सबके वैल्यू पुट करो भैया, सबके वैल्यू पुट करो, मैं आर वन वैक्टर माइनस आर टू, ये देखो वी टू के वैल्यू जो है, वी टू का वैल्यू, ये आर टू को भी इधर भेज देता हूँ, आर वन वैक्टर माइनस आर टू वैक्टर, और ये आ रहा है प्लस वी वन टी अपॉन, ये कितना आएगा टी का वैल्यू आएगा, टी नीचे आएगा ना, इस आर टू को इधर पर टी, टी का मतलब 10 सेकेंड, तो 1/t आएगा, ऐसा आएगा। तो वी टू कैलकुलेट करना था सेकेंड पार्टिकल का वेलोसिटी, टी का वैल्यू 10 सेकेंड है तो 1/10, आर वन वैक्टर का वैल्यू, आर वन वैक्टर ये रहा 4i-4j प्लस 7k माइनस आर टू, आर टू कहाँ वो रहा, ये माइनस के साथ में आ जाएगा तो 2i-2j माइनस 5k, और ये आएगा v1 इंटू टी, टी तो है 10 सेकेंड और v1 कितना है ये रहा, तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.4 की जगह 4 हो जाएगा, 4 इंटू दिस तो 4i प्लस 4i के माइनस 4j के प्लस 4k के
ये आएगा, इनमें ऐड कर लो सबको। तो देखो आई वाला है 4 और ये 4 8, 8 में से 2 गया तो 6, ये आएगा 1/10, ये आएगा 6 आई कैप। जे वाला देखो -4 -2 -6 और -4 -10 हो जाएगा ये, तो -10 जे कैप। के का देखो, के का है 7 प्लस का माइनस का 5, तो 2 बचा, 2 + 4 6k, ये बचा v2 का वैल्यू। और इसको आगे कैलकुलेट करो तो v2 वेक्टर 10 से डिवाइड करूँगा, सबको डिवाइड कर दो तो ये ऐसा हो जाएगा 0.6 आई केप माइनस जे केप प्लस 0.6 के केप, ये मिल गया v2। v2 तो कैलकुलेट करना था ना, कण का वेलोसिटी कैलकुलेट करना था, पार्टिकल का वेलोसिटी तो कैलकुलेट करना था, ये कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मिल गया, तो मैंने क्या किया, मुझे ये पता है कि जब दोनों पार्टिकल मिलेंगे तो उनका पोजीशन वेक्टर सेम होगा, एक ही जगह पे होंगे तो दोनों का स्थिति सदिश सेम होगा, स्थिति सदिश सेम किया, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, वो पहले वाले क्वेश्चन में जैसा किया था वही थ्योरी अप्लाई किया है। अब इसमें सबके वैल्यू पता थे, इस बार R1, R2, V1, V2 वैल्यू किसी भी कोई भी क्वेश्चन करो ना न्यूमेरिकल, जनरली वैल्यू सबके लास्ट में जाके रखा करो, ताकि सबके लास्ट में जाके रखोगे तो कैलकुलेशन ईजी रहेगा, पहले कैलकुलेशन टफ हो जाता है, ठीक है। ये मैं साइड में आ जाता हूँ, पॉज करके इसको छाप लेना, यहाँ पे मैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आगे क्वेश्चंस तो मैं न्यूमेरिकल्स तो और भी डालता रहूँगा, कि जैसे चैप्टर 1 से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल करवाता रहूँगा मैं, एग्जाम तक न्यूमेरिकल तो और भी करवाता रहूँगा, अभी इतने ही न्यूमेरिकल कराऊंगा जितना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स और भी धीरे धीरे डालता रहूँगा, किसी को कोई न्यूमेरिकल नहीं आए तो मुझे सेंड करते रहना, हम लोग और भी न्यूमेरिकल ऐड करते रहेंगे इसके अंदर न्यूमेरिकल्स, क्योंकि आपके बीएससी के अंदर न्यूमेरिकल इतने ज़्यादा आते नहीं है, तो इतना ज़्यादा लंबा डिस्कशन होता नहीं है न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी करवा दूंगा, जितना रिक्वायरमेंट उतना तो मैं अभी करवा रहा हूँ, फिर भी धीरे धीरे एक एक दो न्यूमेरिकल में बारी बारी से डालता रहूँगा, तो उनको भी करते रहना, तो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उनका भी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं लास्ट न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है, ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि एक प्रक्षेप्य का पथ दूसरे प्रक्षेप्य से देखने पर सदैव सरल रेखा दिखता है, शो दैट द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एज सीन फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल विल ऑलवेज बी ए स्ट्रेट लाइन मोशन। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति क्या होती है, जैसे सुन लो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे एक पॉइंट ही है, इस पॉइंट से मैंने एक पार्टिकल फेंका, ये मान लो यहाँ आ गया, एक दूसरा पार्टिकल है ये इधर आ गया, ये मान लो अल्फा 1 एंगल से था, ये अल्फा 2 एंगल से था। अब ये बोल रहा है क्या कि ये मैं तो देख रहा हूं, मेरे को तो ऐसे कर्व्ड मोशन लग रहा है इसका, ये मेरे हिसाब से ये भी कर्व्ड है, दोनों मेरे हिसाब से तो ऐसे कर्व बना के जा रहे हैं, लेकिन इस बंदे के रिस्पेक्ट में ये बंदा जब इसको देखेगा तो इसको ये लगेगा कि बिल्कुल सीधा जा रहा है, पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में जा रहा है। बाहर से देखने पर तो ऐसे लग रहा है कि ये भी ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे कर्व बनाता हुआ जा रहा है, लेकिन जब एक कण दूसरे को देखेगा, मतलब एक प्रोजेक्टाइल दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा, एक प्रक्षेप्य दूसरे प्रक्षेप्य को देखेगा, तो दोनों को एक दूसरे की गति जो है सरल रेखा दिखाई देगी, स्ट्रेट लाइन। आई बात समझ में, ये ऐसा होता है। मतलब अगर मैं बात करूं इसको, हम लोग इस क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक सेकेंड, ऐसा है कि मान लो कि एक प्रोजेक्टाइल है, ये गया यहाँ पे और वो वहाँ पे जाके चला गया, ठीक है। अब अगर मैं, ये कोई एंगल है, मान लो 60 डिग्री का एंगल था, मैंने एंगल चेंज कर दिया कुछ, ये मान लो एंगल चेंज कर दिया, ये लो, अब मैं इसको फिर से दूसरा बॉल फेंका, अब मुझे आपको तो ये लगा कि ये पार्टिकल इधर गया है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो है, यही तो प्रक्षेप गति, इसके हिसाब से ये पार्टिकल इधर गया है, तो हमारे हिसाब से तो इनकी जो जो पाथ है वो कैसा, कर्व्ड पाथ है। लेकिन ये जब मान लो कि अगर मैं आदमी को फेंक रहा हूँ, कि एक आदमी इधर से फेंका, एक आदमी को इधर, मतलब जो गोली बना के बुलेट आदमी को, बुलेट की जगह आदमी को बिठा दिया, एक आदमी को फेंका वो इधर आ गया, एक आदमी इधर आ गया, ठीक है। लेकिन अब वो एक आदमी उड़ता हुआ दूसरे आदमी को देखेगा, तो उसके लिए उसका जो पाथ है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सीधी रेखा दिखेगी उसको, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो ऐसे चल रहा है। आई बात समझ में, मतलब एक दूसरे की जो सापेक्ष गति है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में जो मोशन है,
दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, वो सीधी रेखा होती है, ये प्रूव करना है। तो इसको हम लोग डिटेल में बात करते हैं। आओ भैया, तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो उस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो देखो, मान लो क्या है, लेट एक पार्टिकल है, उसको फेंका, वो ऐसे आ गया। मान लो इस पार्टिकल का ये एंगल था वो अल्फा वन था, और इसका जो प्रारंभिक वेग था, इनिशियल वेलोसिटी था, वो मान लो क्या था, कोई यू वन वेलोसिटी है, ठीक है, यू वन वेलोसिटी। एक दूसरे पार्टिकल को फेंका, वो अल्फा टू एंगल से फेंका मैंने, अल्फा टू, और वो जब आया वो मान लो यहाँ पे आ गया, और उसका जो वेलोसिटी था अल्फा टू वाले का, अल्फा टू है इसका सेकंड का, और इसका जो वेलोसिटी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी है यू टू वेक्टर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अरे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है भैया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व करें, क्या करें, इसके बारे में बात करते हैं। देखो तो मैं पहले तो ये जो मैंने अजम्पशन लिए है ना, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। प्रथम कर्ण ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख ले, आप लिख सकते हो, ये डायग्राम छाप के साइड में लिख सकते हो कि माना दो कर्ण जिनके प्रारंभिक वेग, लिख लेना, माना दो कर्ण जिनके प्रारंभिक वेग u1 u2 है, तथा प्रक्षेप कोण अल्फा वन व अल्फा टू है, तथा प्रक्षेप कोण अल्फा वन एवं अल्फा टू है। लेट देर आर टू पार्टिकल्स विथ इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 एंड प्रोजेक्टाइल एंगल्स अल्फा वन एंड अल्फा टू, ठीक है, करेक्ट है, समझ में? अरे ठीक है ना। अब देखो ये जो पार्टिकल है, मान लो मैं पहले पार्टिकल की बात करता हूँ, ये जो पार्टिकल है इसकी, अब देखो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये अंडर ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण के अंदर ही चल रहा है, तो यहाँ पर कौन सा बल काम कर रहा है, बल कौन सा लग रहा है, फोर्स कौन सा काम कर रहा है, मैं एक बार टाइम देख लेता हूँ कितना है अपने पास में, वी हैव 5 मिनट्स, तो लेट्स फिनिश इट्स। देखो पहला जो पार्टिकल है ये हमारे पास में, जो एक्सेलरेशन लग रहा है, बल लग रहा है, जो जी नीचे की तरफ ही लग रहा है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा है, इधर उधर कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो इस ये जो वेलोसिटी है, इस पहले पार्टिकल के बारे में, पहले पार्टिकल का जो कंपोनेंट घटक है वो इधर देखो यू वन है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में घटक निकालो, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालो, दोनों के कंपोनेंट निकालो, तो इस डायरेक्शन में यू वन का कितना आएगा, u1 cos alpha 1, और दूसरे वाले का कितना आएगा, u2 cos alpha 2, अरे cos कंपोनेंट ही आएंगे ना दोनों के घटक। इस तरफ इसका घटक जो वेलोसिटी का घटक आएगा, कंपोनेंट u1 sin alpha 1, और इस दूसरे वाले का कितना आएगा, इस तरफ u2 sin alpha 2, ये आएगा। अब देखो न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स इक्वेशन से देखो, बाय न्यूटन्स इक्वेशन, एक इक्वेशन होता है ये मैं दूसरा काम में लेता हूँ, ये होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन होता है। ये तो एक्सेलरेशन होता है, त्वरण होता है, s क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो देखो मैं x डायरेक्शन में निकालता हूँ पहले कण के लिए, फॉर फर्स्ट पार्टिकल, प्रथम कण के लिए। तो देखो फर्स्ट पार्टिकल के लिए क्या है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए इस डायरेक्शन में टी टाइम में कितनी दूरी चलेगा, मैं चेक करना चाहता हूं आफ्टर टाइम टी, टी समय बाद कितना है ये, कि टी समय बाद में ये पार्टिकल कहां पर क्या होगा, अक्स कंपोनेंट क्या होगा, इसका अक्स घटक क्या होगा इस पार्टिकल का। तो एक्स इक्वल्स टू, जिसे एस ऐसे, तो मैं एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, ये आएगा यू टी, तो पहले पार्टिकल का यू वन आ जाएगा, प्लस वन बाई टी। अब देखो एक्स डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है, कोई बल नहीं काम कर रहा, कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, एक फोर्स है यहाँ पे केवल ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल है, और वो नीचे की तरफ है, एक्स डायरेक्शन में नहीं है, वो वाई में है, वो भी नीचे की तरफ, मतलब माइनस जी। तो एक्स में तो जीरो आ गया, टी में टी का वैल्यू तो कुछ भी रख, जो भी होगा,
तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, यू मतलब यू एक्स डायरेक्शन में, यू वन का एक्स कंपोनेंट, और यू वन का एक्स कंपोनेंट क्या है, यू वन कॉस अल्फा है, ये एक्चुअल में यू वन नहीं है, यू वन का एक्स कंपोनेंट है। तो ये यू वन का एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, यू वन का एक्स कंपोनेंट है ये, तो ये आएगा यू वन कॉस अल्फा वन, ये आया एक्स, इसको वन ले लेता हूँ पहले पार्टिकल का, ठीक है, इक्वेशन नंबर वन। इसी तरीके से अगर दूसरे पार्टिकल का करूँ तो सिमिलरली, इसी प्रकार अगर दूसरे पार्टिकल की बात करूँ, एक्स टू इज इक्वल्स टू क्या आएगा, यू टू कॉस अल्फा टू, ये आएगा, ये पहले पार्टिकल के लिए हो गया, ये दूसरे पार्टिकल के लिए हो गया। अब मैंने एक्स कंपोनेंट तो कैलकुलेट के लिए, अब मैं वाई कंपोनेंट्स की बात करूँगा, इनके वाई कंपोनेंट्स की बात कर लेता हूँ, ये एक्स कंपोनेंट हो गए, तो अब मैं क्या करूँगा, इनके वाई कंपोनेंट्स की बात करूँगा। तो देखो वाई घटक, पहले कण का वाई घटक, वाई घटक, वाई कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, कौन सा कंपोनेंट, में एक्स पोजीशन की बात कर रहा हूं, तो देखो इसके लिए बात करें तो यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो वाई दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट बात करें, वाई में, तो वाई में देखो ये होगा वाई इज इक्वल्स टू यू, अगर पहले की बात कर रहा हूं तो पहले के लिए यू वन कर देता हूं, पहले पार्टिकल का वाई कंपोनेंट इंटू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, ऐसे होगा। अब देखो ए जो है एक्सेलरेशन वो है ग्रेविटेशनल, और वो भी नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये वाई वन जो आएगा वो आएगा यू वन वाई, क्या होता है यू वन वाई, यू वन साइन अल्फा वन, ये होगा यू वन वाई, क्या है यू वन साइन अल्फा वन माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर, एक का वैल्यू जी लिखा माइनस जी लिखा तो ये आ गया। इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल के लिए सिमिलरली वाई टू इज इक्वल्स टू यू टू साइन अल्फा टू माइनस वन बाई टू जी टी स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात कर लिया, फर्स्ट पार्टिकल के लिए एक्स वन कैलकुलेट कर लिया एक्स घटक, दूसरे पार्टिकल के लिए एक्स टू निकाल लिया, मतलब एक्स एक्स घटक निकाल लिया, उनके एक्स दिशा में कितना विस्थापन हो रहा है, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है, इसी तरीके से वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, एक्सेलरेशन जीरो था तो जीरो एक्सेलरेशन के साथ में आ गया, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन माइनस जी है तो माइनस जी के साथ में आ गया, ठीक है। अब देखो मैं ये काम करता हूँ, इस इक्वेशन को बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर थ्री, दिस इक्वेशन नंबर फोर, चार इक्वेशन आ गए। अब मैं काम करता हूँ, एक्स इक्वेशन टू में से वन माइनस करता हूँ और फोर में से थ्री करता हूँ, इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन थ्री वन एंड इक्वेशन फोर माइनस इक्वेशन थ्री, क्या होगा इससे देखना। अभी एक्स टू माइनस एक्स वन हो जाएगा, टू में से वन माइनस किया तो एक्स टू माइनस एक्स वन, ये है x2 टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू यू टू कॉस अल्फा टू माइनस यू वन कॉस अल्फा वन, इक्वेशन नंबर कोई फाइव आ गया। इसी तरीके से फोर में से थ्री माइनस करूँगा तो देखो ये आएगा वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, ये आएगा यू टू साइन अल्फा टू, ये आएगा माइनस यू वन साइन अल्फा वन, ठीक है। और इसमें से ये माइनस करूंगा तो देखो ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब मैं काम करता हूँ, इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, इक्वेशन सिक्स डिवाइडेड बाय इक्वेशन फाइव, यह है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू U2 टू साइन अल्फा टू माइनस यू वन साइन अल्फा वन अपॉन यू टू कॉस अल्फा टू माइनस यू वन कॉस अल्फा वन, ये मिल गया। अब इसमें देखो क्या है
अब मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अब ये काम की बात है। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन समझ की बात ये है, यहाँ पे ये y2 माइनस y1 क्या है? y2 है सेकंड पार्टिकल का y घटक, y1 क्या फर्स्ट पार्टिकल का y घटक, y कंपोनेंट। दोनों का माइनस किया तो इसका मतलब हो गया कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का कंपोनेंट है, मतलब एक को दूसरे का घटक, दूसरे का जो y डिस्प्लेसमेंट है वो क्या महसूस होता है? तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का जो y कंपोनेंट है, y डिस्प्लेसमेंट है, वो क्या है, वो बताता है। तो ये मतलब अगर ये कांस्टेंट है एक तरीके से, मतलब जो भी है, ये ऐसा है कि मैं इसको कैपिटल y मान लूं, इसको कैपिटल y, लेट y2 माइनस y1 को मान लो मैं कैपिटल y मान लेता हूं, और x2 माइनस x1 को मैं कैपिटल x मान लेता हूं, इसको मान रहा हूं कैपिटल y, ये मान रहा हूं कैपिटल x। इसका मतलब है कि एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का जो घटक है वो है y, और इसका एक दूसरा कौन सा x घटक है, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अगर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा का समीकरण को मान जाते हैं, उसको फॉलो कर लेते हैं, इसका मतलब हो गया कि एक पार्टिकल को से दूसरे पार्टिकल को देखने पर जो मोशन है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। यही हुआ ना, अगर एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल के कंपोनेंट इस तरीके से आते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को फॉलो करते हैं, अगर वो क्या बोलते हैं उसको सरल रेखा के समीकरण को फॉलो करते हैं, तो क्या होगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा क्या कि वो ये दोनों अगर जो सरल रेखा के इक्वेशन को फॉलो करते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि एक पार्टिकल से देखने पर दूसरे पार्टिकल का जो मोशन होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहां से देखो, ये जो सारी चीजें हैं वो एक कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई अल्फा वन पार्टिकल से भेजा है यू वन वेलोसिटी से पहले पार्टिकल को, दूसरे पार्टिकल को जब हमने प्रोजेक्टाइल मोशन दिया था तो उसका वेलोसिटी था यू टू, और अल्फा टू जो उसका एंगल था। तो ये जो सारा है वो कांस्टेंट है, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। और इसको मैं एम के इक्वल लिख लूं, कोई प्रॉब्लम है? तो ये आ गया एम। अब देखो ये ऐसा आ गया वाई इज इक्वल टू एम एक्स। ये एक सरल रेखा का समीकरण होता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि वाई क्या बता रहा है, y ये बता रहा है कि एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को देखने पर उन दोनों के बीच का जो अंतर है y घटक का, y कंपोनेंट्स का जो डिफरेंस है वो है ये, और x कंपोनेंट्स का जो डिफरेंस है x घटकों का जो अंतर है वो है x। उन दोनों में रिलेशन इस तरीके से एक सरल रेखा आया है। इसका मतलब है कि वो जो अंतर है, अंतर का मतलब एक से दूसरे को देखने पर, वो कैसा, इसको फॉलो करते हुए दिखेगा, मतलब सब सीधी रेखा का समीकरण होगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो कॉन्क्लूजन, अतः हेंस यह है एक सरल रेखा का समीकरण है, यह है एक सरल रेखा का समीकरण है, इसी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन रेखा का समीकरण है, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अतः यहां पर फिर लैंग्वेज में लिखना, अतः एक प्रक्षेप से दूसरे प्रक्षेप को देखने पर उसकी गति एक सरल रेखा प्रतीत होती है, अतः एक प्रक्षेप से दूसरे प्रक्षेप को देखने पर, अतः एक प्रक्षेप से दूसरे प्रक्षेप को देखने पर उसकी गति सरल रेखा प्रतीत होती है। हेंस द मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अनदर प्रोजेक्टाइल will be a straight line, will be seen a straight line, will be seen a straight line। ठीक है, ये है भैया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है आपका। और हम लोग एक बुक और चालू कर रहे हैं, EMT का बुक चालू कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, तो साथ साथ में आप वो भी पढ़े ताकि आपका सिलेबस टाइम पे हो। ठीक है, और अब इसको हम लोग कोर्स को स्पीड देंगे, फटाफट करेंगे, बट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। किसी को कोई भी डाउट हो तो हमारे ऐप के ऊपर आके आप हमें कमेंट करें,
या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरे नंबर आपको मिल जाएंगे, मतलब यहाँ पे अवेलेबल है मोबाइल ऐप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको नंबर। तो आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, किसी के और उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और कोर्स लेक्चर सब कंटिन्यू ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेंगे।